आज हमने यहाँ पर भैंस को पोखरा बेचने जा रहे हैं और हमारा बोर्डर ने भैंस को पोखरा लाने के लिए गाड़ी लेके आ रहे हैं और इस बीच में हमने एक गांव में कैसे भैंस को बेचते हैं कैसे लाते हैं। अभी पहले पहले गाड़ी का जो सुविधा नहीं था उस समय में बहुत मुश्किल होता था, हम दूर दूर में भैंस को नहीं बेच सकते हैं, पशुओं को नहीं बेच सकते हैं। आज हम पशु को एक स्यांगजा के स्यांगजा जिला से पोखरा में हमने इसको लेके जा रहे हैं और बहुत मुश्किल भी हो रहा है, ये बंधुआ है और इसको थोड़ा सा हिलाने में भी 5 मिनट का रास्ता है, उसमें भी हमको बहुत मुश्किल हो रहा है। आज मैं ये एपिसोड आपको दिखाऊंगा भैंस को कैसे गाड़ी में चढ़ा के लेके जाते हैं। आप इसको यहाँ पर देखिए, जब आपका भैंस नहीं हिलेगा उसको आपने कुछ घास से आपने उसको हानना चाहिए, सेवला बोलता है उसको, सेवला से उसको खुट्टा में और शरीर में हानना चाहिए और ऐसे करने से उसका आवाज़ आएगा जो घास का, और घास का आवाज़ आएगा, डाला का आवाज़ आएगा और उससे वो चलता है। और वीडियो अंतिम से देख लीजिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, धन्यवाद। सही बाटो लानु भयो यार भन्दैले ल सेव लानु छोरा त कुना कुना र है कुना कुना र है कुना र लानु है घाँसतिर र एकछिन बिन्दु छेउली हेल छेउ ल आऊ यति त हो नि जति रे पनि त्यस्तो ऊ हाड पुग्यो गाडी होला फिर भ्यू भैंस को सामने आप सुन अंकल सजिलै भयो फाट्यो है, होइन अघिल्ला खुट्टा लगाएको पछि फाट्छ अगाडिको सिपाल एकचोटि चलासी थाहा हुन्छ कि पहिला चलाम त मैले त ठिकै रहेछ नि मोटै रहेछ मतलब मोटा अहिले पहिला गलेको थियो अहिले 45 45 होइन अहिले बसो ल बसो है भन्छु बसो ढुक्कै भयो ल राम्रोसँग जाऊ बसो अब डराएको त्यो काइदाहरू मेरो भन्दै ए थैलो थैलो थैलो
अहिले त भैँसी बेच्न त गाह्रै छैन के कुरो मिलाउनु पऱ्यो भैँसी बेच्न गाह्रै छैन।